हम बर्तन मांजती हूँ, मेरी पोती के लिए दूध का पैसा नहीं है, खर्चे का पैसा नहीं है, तो यहाँ कोई हमारी मदद करने नहीं आ रहा, गलियों में आटा मांग मांग के रोटी खा रहे हूँ, गुजारा कर रहे हैं, पेंशन आती उसका किराया भरते हूँ, बाकी हमारा पंचायत अभी हमारी सीते है सरकार हमारी। लड़की की दुआई लानी, घर में पैसे है नहीं, प्रेग्नेंट है लड़की, उसके लिए दुआई के पैसे चाहिए, घर में एक पैसा नहीं है। अभी मांगने जा रहे हम, गलियों गलियों में मांगने जा रहे हैं, मांग के लाके गुजारा कर रहे हैं हम, जो किसी ने 10 दिए, जो किसी ने 20 दिए, किसी ने आटा दिया, किसी ने दाल दी, वही लाके घर का गुजारा कर रहे हैं हम। घर के किराए दो दो चार चार महीने के चढ़ गए हमारे पे, अब कहाँ से देंगे हम, बिजली के बिल आए पड़े हैं, घर के किराए आए पड़े हैं, कहाँ से लाके दें हम, मजबूरी हो रही है, दुखी हो रहे हैं, हमारी हेल्प करो। कोरोना महामारी ने रोज कमाने खाने वालों को झकझोर कर रख दिया है। सबसे ज्यादा दुखों का पहाड़ इन्हीं पर टूट रहा है, इन पर अब रोजी रोटी का संकट है। इसी के चलते कुरुक्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर पुराने कपड़े बेचने वाले रोजी रोटी की तलाश में भटकने को मजबूर हो गए हैं। कोरोना महामारी ने जहां अर्थव्यवस्था बिगाड़ दी है, तो वहीं पर लोगों की रोजी रोटी भी छीन ली है। पिहोवा में पुराने कपड़े बेचने वाले रोजी रोटी के लिए मोहताज हो गए हैं, और अब स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि उन्हें भीख मांगकर अपना गुजारा करना पड़ रहा है, और वो लोगों से मदद की गुहार लगा रहे हैं। दरअसल उपमंडल पिहोवा के गुरुद्वारा रोड पर किराए के मकान में रह रहे पुराने कपड़े बेचने वाले लॉकडाउन के चलते रोजी रोटी को मोहताज हो गए हैं। आपको बता दें कि उपमंडल पिहोवा में फुटपाथ पर बैठकर ये पुराने कपड़े बेचकर अपना गुजारा करते थे, लेकिन लॉकडाउन लगने की वजह से इनका काम बंद हो गया, जिसके चलते अब इनके घर में खाने पीने की परेशानी आ गई है। पीड़ित परिवार ने बताया कि वो पिहोवा में काफी समय से किराए के मकान में रह रहे हैं। लॉकडाउन से पहले पुराने कपड़े बेचकर उनका गुजारा ठीक ठाक चलता था, लेकिन लॉकडाउन लगने के बाद उनका जीना दूभर हो गया है। घर में छोटा बच्चा और एक महिला बीमार है, उनकी दवाई तक के पैसे नहीं है। पीड़ित परिवार ने कहा कि दवाई और खाने के लिए अब उनको भीख मांगने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, लेकिन लॉकडाउन के चलते भीख भी नहीं मिल पा रही। मैं बर्तन मांज मांज के मेरे काले हाथ हो गए, दो दो टाइम बर्तन मांजती हूँ, मेरी पोती के लिए दूध का पैसा नहीं है, खर्चे का पैसा नहीं है, तो यहाँ कोई हमारी मदद करने नहीं आ रहा, गलियों में आटा मांग मांग के रोटी खा रहे हूँ, गुजारा कर रहे हैं, पेंशन आती उसका किराया भरते हूँ, बाकी हमारा पंचायत अभी हमारी सीते है सरकार हमारी। अभी मांगने जा रहे हैं हम, गलियों गलियों में मांगने जा रहे हैं, मांग के लाके गुजारा कर रहे हैं हम, जो किसी ने 10 दिए, जो किसी ने 20 दिए, किसी ने आटा दिया, किसी ने दाल दी, वही लाके घर का गुजारा कर रहे हैं हम। घर के किराए दो दो चार चार महीने के चढ़ गए हमारे पे, अब कहाँ से देंगे हम, बिजली के बिल आए पड़े हैं, घर के किराए आए पड़े हैं, कहाँ से लाके दें हम, मजबूरी हो रही है, दुखी हो रहे हैं, हमारी हेल्प करो। लड़की की दुआई लानी, घर में पैसे है नहीं, प्रेग्नेंट है लड़की, उसके लिए दुआई के पैसे चाहिए, घर में एक पैसा नहीं है। इन लोगों का कहना है कि सरकार और प्रशासन की तरफ से अब तक इन्हें कोई मदद नहीं पहुंचाई गई है, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने अब जनता से गुहार लगाई है कि इस मुश्किल समय में उनकी मदद की जाए। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।